This is the view from our room. Welcome to Arena Beach Hotel. अभी हमने excursions के लिए payment किया है. Welcome guys, welcome to our channel and welcome to Maldives. इस वक्त हैं हम लोग एशिया के सबसे छोटे देश में. वेलकम टू अनदर व्लॉग नंबर 2 ऑफ मालदीव्स. जस्ट अभी हम पहुंचे हैं एरिना वैली सी व्यू में. मतलब शायद नाम चेंज हो गया जो भी है, बट हमारा बुकिंग है तभी वो हमको लेके आए हैं. तो अभी हम वेट कर रहे हैं बस जस्ट होटल चेक इन करने का. बट वहाँ से थोड़ा सा पैदल चल के आए हैं जो जेटी एरिया था जहाँ पे वो पायर था. तो फाइनली पौना घंटा इंतज़ार करने के बाद हम लोगों का चेक इन हो गया है. अभी चेक इन की स्टोरी बाद में बताता हूँ, पहले रूम टूर पे जाता हूँ. सो एंटर करते ही ये है कबर्ड जिसमें लॉकर दिया है. ये 2 पानी की बोतल कॉम्प्लीमेंट्री है डेली, एंड एक्स्ट्रा आपको लेनी है तो ये चार्जेबल रहेगा. नीचे मिनी बार है, ऑफकोर्स मिनी बार में जो भी रहेगा वो चार्जेबल रहेगा. एंड इसके बाद यहाँ आते हैं, ये टी वी है, ये बैनर्स दिया है. मतलब रूम कंजेस्टेड है बट वेल ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है, स्टडी टेबल एंड चेयर दिया है, टी कॉफी मेकर नीचे दिया है, एंड केटर दिया है. दीज आर ऑल मिनी बार आइटम्स. मेन्यू दिया है, एसी है, मिरर है, एक फुल लेंथ मिरर, ये फुल लेंथ मिरर दिया है. एक बेड है, क्वीन साइज लग रहा है आई थिंक, लगेज रैक. तो यही है कुल मिला के हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम, बट साफ सुथरा है और मेंटेन्ड है. अब आते हैं यहाँ पे वॉशरूम. तो अभी आते हैं वॉशरूम में. वॉशरूम इज ऑल्सो नॉट दैट बिग बट अगेन वेरी क्लीन, बहुत ज़्यादा क्लीन है. छोटा सा बेसिन एंड शैम्पू, हैंड वॉश, हेयर ड्रायर रहता है सब जगह. और ये शावर एरिया देखिए, टॉवल दिया है यहाँ पे, ये रूम में यूज करने के लिए है. रूम में ब्लू टॉवल्स भी पड़े हैं जो मेरे बैग से ढक गए हैं. ये ब्लू टॉवल्स हैं अगर हम लोग बीच पे जाते हैं उसके लिए, या फिर स्विमिंग पूल में जाते हैं उसके लिए. उसके अलग से टॉवल्स पहले से दे के रखे हैं. अब इस रूम का जो मेन पार्ट है वो आपको दिखाता हूँ, जिसके लिए हमने ये रूम बुक किया था. ये इस होटल का 2nd टॉप मोस्ट कैटेगरी का रूम है. और इसका है जो मेन पार्ट वो ये व्यू. और तो ये सब नीचे आपको दिखेगा, लेकिन इतनी हाइट से जो व्यू आता है ना उसका अलग ही मजा होता है. तो ये शानदार व्यू के लिए हमने ये होटल बुक किया था और स्पेसिफिकली ये रूम लिया था. प्रीमियम डिलक्स रूम विद बालकनी एंड सी व्यू. और प्राइस इसका है ये भी बता देता हूँ, हमने MakeMyTrip से बुक किया था. सब जगह ऑब्वियसली देखने के बाद Booking.com, Agoda सब जगह हमने चेक किया था. MakeMyTrip में सबसे सस्ता पड़ा, 31,000 का पड़ा था 3 नाइट्स का विद ब्रेकफास्ट. मुझे कैसे पता लगा. तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग नीचे आए. हम लोगों ने लंच किया. अभी लंच में हमने वेजिटेबल फ्राइड राइस किया और क्रीम ऑफ टोमेटो सूप लिया था, जिसका टोटल प्राइस लगा $12. $7 राइस का और $5 सूप का, जो कि तकरीबन हो गया 1,000 रुपया 2 आइटम्स का. तो हम लोगों ने अभी वो खाया और जस्ट अभी बिकिनी बीच पे आए हैं थोड़ा सा माहौल देखने के लिए. हम लोग भी जाएंगे अभी थोड़ा नहाने के लिए, एंड कुछ एक्टिविटीज़ का भी मैंने पता किया है, जैसे स्कूबा डाइविंग हो गई, या फिर रिजॉर्ट में जाना है, स्नॉर्कलिंग करना है, सैंड में. कैसे एक्टिविटीज़ मैंने पता करी हैं और वाटर स्पोर्ट्स के बारे में भी. तो अभी हम उसको फाइनलाइज़ करेंगे. अभी हम लोग नीचे ही घूम रहे हैं होटल के. 2-3 होटल आसपास हैं, जो एरिना बीच हो गया, कानी पाम बीच हो गया, यही यहाँ के जो फेमस और बड़े होटल हैं. और चेक इन की मैं बात बता रहा था, चेक इन करने में थोड़ा टाइम लग गया था, तो ये सब आप माइंड में रख के आइए. और थोड़ा सा एक ट्रिक दे देता हूँ, अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो आप जाके डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये सब बच्चा हमारा टायर्ड है, या फिर आप खुद भी बोल सकते हैं हम टायर्ड है. तो वो क्योंकि वो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डेमो देंगे आधा पौना घंटा का, क्योंकि वो एक साथ लोगों को लेके आते हैं. जैसे हमारे साथ 15 लोग आए थे, उन्होंने सबका पासपोर्ट रख लिया और फिर एक साथ सबका चेक इन कराया, तो इस वजह से टाइम लग गया. लेकिन आप इस सब को टाइम को बचाने के लिए, अगर आप जेनुअली थक गए हैं तो आप ऐसा काइंड ऑफ एक्सक्यूज़ या जेनुअली बोल के जा सकते हैं कि हम थक गए, हमें पहले अलॉट कर दीजिए. अदरवाइज़ आपका आधा पौना घंटा लग जाएगा. और यहाँ एरिना की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 बिल्डिंग्स हैं, तो वो किसी में भी आपको रूम अलॉट कर सकते हैं। बट डोंट वरी, जो कैटेगरी का रूम आपने बुक किया होगा जिस व्यू के साथ, वो आपको वही मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ सेटअप हो रहा है। ये जो सेटअप है बेसिकली कुछ लोग ऑप्ट करते हैं प्राइवेट रोमांटिक डिनर के लिए, उसकी सेटिंग हो रही है, या फिर कुछ लोग जो ग्रुप्स में आते हैं, तो जैसे एक अभी ग्रुप आया हुआ है, वो शायद कुछ वेडिंग सेलिब्रेशन है या फिर आई थिंक प्री वेडिंग उनका कुछ तो बैचलरेट है वगैरह, तो इसके लिए पूरा सेटअप हो रहा है, या बुक करके कर सकते हैं। और रही बात स्पोर्ट्स वाटर एक्टिविटीज़ की, तो जैसे जेट्स की है, जेट्स की 15 मिनट का $30 या फिर $25, थोड़ा बहुत वेरी करेगा। एंड 30 मिनट का करना है तो $50, ऐसा प्राइसेस हैं। 2 लोग की बात बता रहा हूँ। ये बनाना बोट हो गई, फन ट्यूब हो गई, पैरासेलिंग, सारी की सारी वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो जाती हैं, इसके लिए अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो एक्टिविटीज़ हम करेंगे वो हम साथों साथ आपको बताते रहेंगे कि क्या प्राइसेस में हमने करी हैं, कैसे करी हैं। सनसेट का जो टाइम होता है ना, गोल्डन आवर, सब कुछ अपने आप ही बहुत सुंदर लगने लगता है। तो अभी पानी में डिप लिया तो थोड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। अब हम चलते हैं बाहर वापस और आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। बट लुक एट द व्यू, मेरे पीछे व्यू देखिए। जा रहे हैं आइलैंड रिजॉर्ट, जिसका नाम है ओलियावेली सुनसियाम। सो ये फुल डे का रहेगा, बेसिकली डे 2 रहेगा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। उसका पेमेंट कर दिया। और परसों 18 को मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ हमारा रहेगा शार्क बे स्नॉर्कलिंग टूर, जिसमें सैंड बैंक रहेगा, फुलिडो आइलैंड, ये सब रहेगा। एंड देन सेकेंड हाफ में रहेगा स्क्यूबा डाइविंग, जिसके लिए मैडम आई हैं स्पेशली। तो मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग थोड़ा डर भी है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये कर रही है। तो मैं इसकी जगह कुछ वाटर एक्टिविटीज़ करूँगा, जैसे वाटर स्पोर्ट्स, यानी कि जैसे कि जेट स्की हो गया, ये सब मैं कर लूँगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। ये अभी हम होटल के बैक साइड में हैं, और देन डिनर करेंगे और आपको अपने होटल के नीचे जो वाइब्स हैं अभी वो थोड़ा सा दिखाएँगे आज के इस व्लॉग में। ये एक लोकल मार्क शॉप है, लेट्स सी व्हाट कुछ मिलता है, तो मे बी मैग्नेट। तो ये हम लोकल घूम रहे हैं, तो काफ़ी सारे यहाँ पे सुविनियर शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स, यानी कि जो मार्ट रहते हैं, वो सब कुछ है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम लोग अंदर जाते हैं, और ताकि आपको एक प्राइस का आइडिया हो जाए कि अदर देन होटल्स में आपको बाकी चीज़ों का कितना प्राइस लगेगा यहाँ पे। जैसे कि पानी लेना पड़ेगा, पानी वहाँ पे महंगा होगा, और पानी वो उतना ही देते हैं जितना, मतलब 2 बॉटल्स, उसके अलावा नहीं। ये 1.5 लीटर पानी की बॉटल है, वो $0.67 की, यानी कि तकरीबन 60 रुपये की। ₹20। ये जो अपना 30 रुपये वाला चिप्स था ना, अभी हमने देखा ये वाला, इसका जो बड़ा वाला भाई है, वो 30 रुपये लिखा हुआ है इंडियन रुपीज़, क्योंकि वो इंडिया से ही आता होगा, बट यहाँ पे आपको मालदीवियन रुफिया में ही मिलेगा। और उसका प्राइस है यहाँ पे 20 मालदीवियन रुफिया, तो वो अराउंड 100 रुपये पड़ रहा है। इमेजिन 3 गुना ज़्यादा मिलेगा आपको, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा बट 3 गुना दाम पे तकरीबन, कम से कम। तो अभी हम तो कुछ भी ले नहीं रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही घूम रहे हैं ताकि प्राइसेस का आइडिया हो जाए हमें भी और आप लोगों को भी। अगर चिप्स वगैरह है ना, ये आप अपने वहाँ से ही लेकर आओ, बिकॉज यहाँ पे 3 टाइम्स प्राइस है। तो अभी हमने जस्ट आप लोगों को एक मेन्यू दिखाया सैम्पल। ये होटल का नहीं है, ये नॉर्मल जो आइलैंड्स पे कैफ़ेज़ हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उसका था। तो तकरीबन जो मिनिमम प्राइस था किसी एक आइटम का 100 मालदीवियन रुपया रहेगा ना। तो मालदीवियन रुपया का बेसिकली अभी मैं कस्टमाइज़ नहीं हुआ हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि वो INR या फिर डॉलर कितना होगा, बट आई एम श्योर कि वो होटल वाले उससे कम ही होगा। तो एक चीज़ वही मैं क्लियर कर देता हूँ, $8 से कम कोई भी आइटम नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो चलो $6 या $7, इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा। और सुबह जो हमने खाया उसका क्वांटिटी भी देख लिया कितना ज़्यादा था, बहुत कम क्वांटिटी था, इसलिए हम थोड़ा बाहर घूम रहे हैं कि मे बी कुछ थोड़ा बेटर प्राइस में कुछ और मिल जाए। पीच आइस टी एंड स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक प्लस एक चिकन मशरूम पिज्ज़ा हमने ऑर्डर किया है एंड एक फ्रेंच फ्राइज। हाँ, तो भाइयों बहनों डिनर हो गया है। जैसा कि बताया हमने एक पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़, 2 ड्रिंक्स लिए थे, एक पीच आइस टी और एक स्ट्रॉबेरी शेक। तो हमारा जो बिल आया था वो था 350 मालदीवियन रुपया। और सबसे बेस्ट है बजट फिक्स रखना है तो बुफे वाला डिनर ले लो। हाँ। लंच और डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूड कर लो, फिर कोई टेंशन ही नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। एक बार पैसा फिक्स और आपको कुछ एक्स्ट्रा कैरी करने के कैश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट। और ये वीडियो जो है आज का, इसको एंड करते हैं। ये आज का सेकेंड वीडियो था जो स्टार्ट हुआ था होटल के रिव्यूज़ के साथ, एंड होटल के जो चेक इन प्रोसेस हमने आपको पूरा बताया और माफुशी आइलैंड के बारे में बताया। तो और कल जो वीडियो हो रहेगा, कल हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? कल हम लोग प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट, यस, ओलुवेली सुनसियाम। तो कल के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये बजट हो गया अभी आज, कल थोड़ा सा लग्जरी करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या क्या इंक्लूजन्स हैं क्या क्या नहीं हैं वो सब हम आपको कल बताएंगे। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और अगले वीडियो को ज़रूर देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, और ये जो वीडियो देखा भी आपने इसको भी लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए सो दैट जब भी हम वीडियो डालें, क्योंकि हम हफ्ते में 2 वीडियो डालते हैं, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।